जय श्री राम भाइयों। तो 15 नवंबर जो कि मंडे था, उस दिन हम लोगों का ये निर्णय हुआ कि चलें भाई पटना से उलार जो सूर्य मंदिर है वहाँ चलें। तो भाई हमने अपनी गाड़ी निकाली और हम पहुँच गए दीघा, गंगा नदी क्रॉस करके और हम वहाँ से चलने लगे। दीघा आने का एक ये भी था उद्देश्य कि हम आपको गंगा नदी का ब्रिज भी दिखाएं। बेटा आगे है ना? हां बेटा तो बहुत आगे है, बेटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। हम लोग यहां से जाएंगे एलिवेटेड रोड से। इनमें कोई समस्या है? रात को समस्या होती है, वो एक एक स्कॉर्पियो पे 10-10 साले लगा लेते हैं हैलोजन लैंप। हम तो पहली बार देखे ऐसे, इससे पहले हम सिर्फ इसमें देखते थे, फिल्मों में देखा था, गंगा साउथ की आंध्रा तेलुगु मूवीज में देखते थे। तो जेपी सेतु जो कि रेल कम रोड ब्रिज है, यह 4.5 किलोमीटर लंबा है। गंगा नदी के ऊपर बना यह पुल 2003 में बनना स्टार्ट हुआ था और 2015 अगस्त में यह खोल दिया गया। ये काफ़ी लंबा है और इसके पहले पटना के दी गंगा नदी पे पटना से उत्तरी बिहार जाने के लिए महात्मा गांधी सेतु पुल ही था। उस पुल की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई है और उस एक अकेले पुल पे काफ़ी ज़्यादा लोड रहता था गाड़ियों का, इसलिए नया पुल बनना शुरू हुआ। इसे जयप्रकाश नारायण सेतु भी कहते हैं या सोनपुर दीघा पटना ब्रिज भी कहते हैं। काफ़ी शानदार यह पुल, वैसे तो सिर्फ डबल लेन ही है, एक लेन आने के लिए और एक लेन जाने के लिए। इस पुल से आपको सनसेट और सनराइज का जो नज़ारा है काफ़ी अच्छा दिखता है और गंगा नदी तो खैर यहाँ से सुंदर दिखती ही दिखती है। काफ़ी सारे लोग इस पुल से गंगा नदी को भी देखने आते हैं और यद्यपि वो गलत करते हैं, आप इस नैरो बीच पे अपनी कार या बाइक नहीं रोक सकते। आपने देखा कुछ लोग रोके रहते हैं, एंड दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट सेफ। ये पुल आगे जाके पटना की साइड जो कि दक्षिणी बिहार में आ जाएगा, कनेक्ट होता है आपको बेली रोड से, आपको एम से, और साथ ही साथ इसी किनारे पे बहु प्रतीक्षित मरीन ड्राइव बनाने की योजना है और काम चालू भी है। हो सकता है कि अगले 2-3 सालों में वो मरीन ड्राइव बनके रेडी भी हो जाए। तो देखते हैं इस पुल को। आज बाहर तक कौन सी बड़ी बात है, मित्र नहीं है, कोई बात पे हो रहा था कि जमाना बहुत बदल गया, ये हो गया वो हो गया, लोग आपस में वो मारने के लिए, अगर मैं मूड पे ही आ जाऊँ। जमाना क्लियर हो रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, और हमको लगता है कि आज मतलब आपको इसको बहुत दिन तक नहीं रोक सकते, अब हो के ही रहेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। गुलशन साहब बोल रहे कि जहाँ हम रह रहे हैं, ये नहीं कि मेरा उतना जमीन है, कल जहाँ हम रह रहे हैं कल ब्रह्म ज्ञान मिला। काफ़ी दिन से विनीत को समझा रहे कि मोदी विरोध छोड़ दो, कल समझ में कि जिस इलाका में बड़ा है वहाँ तो प्रशासन से ज्यादा पब्लिक का ईंटा मजबूत से जाए। हाँ ऊपर चल रहा अपने को, अच्छा माने मुझे कल ही समझ में आया कि कैसे ऊपर जा जाएगा। अब आगे से चले ना, आगे से तो नहीं, ऐसे ही चला। एक कौन वाला ब्रिज हुआ ये जो है ना, ये आपको दीघा मतलब वो जो एम्स एम्स जाएगा वो जो ये ब्रिज है, और वो जो है वो आपको एम्स के पहले उतारता है, मतलब ये क्या नाम है आपको बेली रोड, यही वाला ब्रिज था ये, बेली रोड, बेली रोड के ऊपर से ये वाला जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वही था यार, आप उतरवा दिए फिर से मोड़ना। नहीं 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 ठीक है ठीक ठीक ठीक, यहाँ से नहीं नहीं नहीं, ये आपको आपको बेली रोड के ऊपर से जाना है, यहाँ से यहाँ से ये अपने इलाके में आदमी कर तो दीघा से एम्स की ओर जाने वाला यह फ्लाईओवर जिसे कि
दीघा एम्स एलिवेटेड रोड कॉरिडोर भी कहते हैं। बिहार का सबसे बड़ा एलिवेटेड ओवर है। इसकी जो लंबाई है यह 12.5 किलोमीटर है। भारत में अपनी तरह का यह 7वां सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे ओवर ब्रिज है। ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है ये आपको पटना दिल्ली जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर से गुजरता है, तो यह इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे ओवर ब्रिज है। ये हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से 2017 में खुला था। यह हाल फिलहाल में ही 2017 में 18 में शायद इनॉग्रेट हुआ था। इसके ऊपर यात्रा करना भी अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। जो दीघा से बेटा तक जाएगा दैट विल बी अराउंड 22 किलोमीटर। एक सिटी से दीघा का भी था ना क्या सर? सिटी से दीघा तो वही हो गया ना तुम्हारा मरीन ड्राइव। अच्छा मरीन ड्राइव दीघा से दीदारगंज कनेक्टिविटी हर जगह की पटना में दीघा से दे रहे हो क्योंकि दीघा लास्ट एरिया पड़ता है शहरी क्षेत्र में। सही भी है। और आप देखें तो इधर दानापुर वगैरह उधर से आना बहुत मुश्किल है। 319 तो वाट लगा दी, चौक करके रख दिया पूरा उस पर। और वो अगर इनक्रोचमेंट हटा भी देगा तो वो लोग अपना टेम्पररी इनक्रोच कर देंगे। नहीं आप इनक्रोचमेंट हटा सकते हो, आप अगर हटाने जाओगे ठीक है तो आप अधिकारी अपने जान की चिंता स्वयं करें। राजा बाजार से किया ना तभी तो ये राजा बाजार इज अ पॉश एरिया। राजा बाजार के जो मूल निवासी हैं वो कुर्मी भाई लोग हैं, उत्तक वारियर कम्युनिटी नहीं है। राजा बाजार से लेकर सगना मोड़ तक का जो एरिया है कुर्मी लोगों का एरिया है, इसलिए लोग युद्ध नहीं करते हैं। भाई भाई बोल के लोग छोड़ते हैं अपने भाई हैं। चलो तो कहाँ से जाएं? यहाँ से, यहाँ से यू टर्न लेकर मतलब गोल गोलंबर घूमेंगे और उधर राइट आ जाएंगे। जब आप इस एलिवेटेड फ्लाईओवर से उतरोगे तो यह रोड आपको ले जाती है बीटा की ओर। यहाँ से दो रास्ते हैं उलार जाने के। एक तो आप राइट हैंड साइड को बीटा से होके जा सकते हो, वह डबल लेन सड़क है पर उधर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में जो सोन नदी से निकाली हुई नहर है उस नहर के किनारे किनारे से आप जा सकते हैं। यह काफ़ी बढ़िया रोड है, सिर्फ सिंगल लेन है। मतलब आप इसी एक लेन का इस्तेमाल जाने के लिए भी करेंगे आने के लिए भी करेंगे और ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे। मैं तो कहूँगा लौटते वक्त हम दूसरी साइड से आए थे बीटा की ओर से, उसकी उसके रिस्पेक्ट में मैं कहूँगा कि यही सबसे बढ़िया है इसे ही इस्तेमाल के। ये तुमको नया वाला रोड हो गया मोहिनिया के लिए, ये आपको औरंगाबाद होते हुए मुगलसराय निकल जाती है। अच्छा ये रोड मुगलसराय चलेगा।
मतलब एरिया में एक मंदिर हुआ करता था यहाँ भगवान सूर्य का, धीरे धीरे पूरा जो क्षेत्र है सरकारी जमीन मंदिर बना दिया गया। ये भी बड़ा खूबसूरत सा मंदिर है यहाँ पर भी, मतलब सीधे हमें जाना सरकारी जमीन का। रेंज रोवर और जगुआर एक ही कंपनी का गाड़ी है। ये जगह को रजिस्ट्री ऑफिस कहते हैं सर। और यहाँ का काला जामुन बेहद प्रसिद्ध है। अभी तो काला जामुन नहीं, अभी मिलेगा लौटते वक्त देखते हैं। अच्छा, मिठाई की बात, काला जामुन। और जो मटन वकटन की चिकन की दुकानें दिख रही हैं यहाँ पर, तो चूंकि लोग जमीन लिखवाने जाते हैं तो यहाँ पर लिखने, जिसने जमीन खरीदी है वो जमीन बेचने वाले को खिलाता है, तो यहाँ चिकन वगैरह बड़ा फेमस है। ठीक है सर, यही खाया जाए। अच्छा ठीक है, तो बाकी बात है मतलब ये जगह जो है तो देखा जाए तो सड़क काफी बढ़िया, पटना से, पटना एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में कोई समस्या नहीं रहेगी, और उनको लेके आया जाए बड़ी सड़क से, है ना। ये मेन सड़क है, ये आपको आगे बीटा वाला रास्ता है, आप इसको पकड़ के बीटा तक जा सकते हैं। फिर बीटा से आप इधर मंदिर चले जाओ या फिर आप उधर वाला रास्ता पकड़ लो। शिवी वाला बिल्डिंग देख रहे हो, ये मेरी अपनी जमीन थी, ये थी, इसको हमने बेच दिया। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ, अच्छा यहाँ से जो गांव जा रहा है अंदर, ठीक है ना, ये यहाँ से मेरा घर जा रहा है, सामने वाला मेरा प्लॉट था इसको भी बेच दिया गया था बहुत पहले। हाँ, अभी लौटते वक्त मैं गांव घर पे चलेंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए सही गाड़ी लगा के। क्या हवेली है, पुराना मकान है बस, और क्या, लेकिन उसी में असली, पर उसमें बीच बीच में आते रहिए। मैं आता रहता हूँ, मैं आता रहता, चले जाएगा, टूटता ही चला गया, घर टूटते चले आते हैं। और याद है तुमको एक बार एक स्टोरी डाले थे, हॉरर स्टोरी, खूनी पुलिया। तो हेयर इट इज, थोड़ा सा आगे चलो, जहाँ पे खुद से एक्सीडेंट हो जाता है, खुद से एक्सीडेंट होता है यार, थोड़ा सा संभाल के चलेंगे। पहले ही बता दे रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे एक मंदिर है, तो इस मंदिर की स्टोरी ये है कि यहाँ पे ये लोग नहर बांध रहे थे आज से 150-200 साल पहले। ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, जो भीड़ लगी हुई है, ठीक है ना, दुर्गा जी का मंदिर है, ये एक एक्सीडेंट हुआ गाड़ी। हाँ, वो यहाँ पे गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो जाती हैं यहाँ से लेकर, यहाँ पे रखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो सीन क्या है कि यहाँ पे लोग नहर बांध रहे थे, नहर तो हमेशा से थी, तो नहर बन नहीं रही थी, तो एक बुनियाद भाई है गाँव के, उन्होंने कह दिया कि अब की जो कोई भी आएगा मैं उसकी बलि दे दूंगा। उसी में से मेरा गाँव कुशवाहा लोगों का गाँव है, किसी को निजी खुन्नस थी, उनके घर चले गए और बोल दिया कि पापा खाना मांगने जाओ, तो उन्हीं की बेटी जिन्होंने बोला, सबसे पहले उन्हीं की बेटी आ गई खाना लेकर के। तो भाई साहब पीछे हटे नहीं, बोल रखा था कि दे देंगे बलि, तो दे दिया बलि। तो बड़ा अंदर से अफसोस सा था उनको, उन्होंने मूर्ति बनाया, मंदिर बनवा दिया, धीरे धीरे मंदिर अच्छा खासा फेमस है यहाँ के भूमियारों के बीच। ये जो पुलिया है ना, यहाँ से गाड़ियाँ अपने आप उसट गिर जाती हैं। हाँ, तो थोड़ा सा तो मतलब एक दो नहीं, पंकुल होता लगता है कोई ट्रक दिखाए होंगे नीचे गिरा हुआ एक बार। हाँ, मतलब ये सब होता है, मैं भी मानता नहीं था। नहीं होता है, अब तो बचपन से मानो चाहे नहीं मानो, क्योंकि पूरे गांव वाले बोलेंगे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो थोड़ा सा टेंशन में रहता हूँ। ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब 6 तक चल सकते हैं। तो सीवी तो अभी 16 साल से ज्यादा बड़ी लड़की को लाइन मार रहा था, इस बारे में आपके क्या विचार है? शादी के ख्याल से तो शादी तो अभी देखिए, हम लोग एकदम स्लो स्लो चलते हैं, आराम आराम से, है ना। यहाँ जहाँ बोर्ड लगा हुआ है ना सर, वहीं से लेफ्ट लेना होगा थोड़ा आगे, उधर चलते हैं। कोई नहीं, बस 9.5 का जो माइलेज था ना, 9.9 आ गया। हाँ, तो वो इधर आपको तेज है ना, रास्ता तेज है से, नहीं, थोड़ा सा और आगे। अच्छा, ये कौन सी जगह है? यही है उलार। अच्छा, उलार सूर्य मंदिर, यहाँ से लेफ्ट जाने का रास्ता है आगे से, यहाँ से थोड़ा आगे, थोड़ा आगे से जो पहला लेफ्ट आएगा ना। अच्छा,
मतलब चौराहे टाइप की जगह दिखेगी वो मंदिर के पास से। तो इस लाला भत्सारा में कौन रहता है? रैयत लोग। रैयत लोग जिन्होंने जमीन खरीद ली धीरे धीरे वाली जब ये उधर आगे से थोड़ा सा आगे से वो जो हाँ जो मोड़ लगा हुआ है ना यहाँ से लेफ्ट। एक्चुअली आज एकादशी है तो मे भी थोड़ी भीड़ हो, कोई दिक्कत क्योंकि एकादशी भी सूर्य की पूजा के लिए ही होता है। बस हार्डली आधा किलोमीटर है। पक्का रोड बना है सर? रोड तो यहाँ पे हमेशा से है, मतलब पक्की नहीं तो मतलब ये पर्टिकुलर रोड और ये स्टेट हाईवे 2 ये हमेशा से इसी कंडीशन में था इवन इन लालगढ़। अरे वाह, क्या बात है। कैसे भाई संभव कैसे था ये? वो इस रोड को बनाते रहते थे, चूंकि यहाँ पे रोड नहीं बने तो यहाँ हम लोग विधायक को पीटने लगते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पुलिस का भी मूवमेंट चाहिए, तो रोड चाहिए आखिर। अच्छा अरवल जो है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इसके बाद अरवल इसके जस्ट बाद पड़ेगा, पालीगंज, पालीगंज के बाद अरवल, आखिर पुलिस जल्दी में कैसे जाती? कुछ रोड बना के रखा, ये प्रॉपर्टी जो है ये भी किसी बड़े ग्रुप ने खरीद लिया है। आप आगे एकदम चलते चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लेफ्ट लेने की जरूरत, लेफ्ट ले लो, हाँ लेफ्ट ले लो, इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा, कोई डर हुआ नहीं है। अच्छा एरिया है यहाँ पर, काट कर बहुत भीड़ होती है भैया, मतलब एकदम मारपीट। और आगे ले चलिए सर, एकदम एकदम मंदिर से सटा दीजिए, कोई डर नहीं हो तो वहाँ पर भी एकदम